नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मैं भरत यादव नरसिंहपुर ज़िले में कलेक्टर, मैंने ज्वाइन किया है। कलेक्टर साहब वेद प्रकाश जी पॉजिटिव हैं, बीमार हैं, तो उनकी जगह मैं कुछ समय के लिए आया हूँ। कुछ समय के लिए ज़रूर आया हूँ, लेकिन काम ऐसे करूँगा जैसे कि मैं ही हूँ यहाँ रहने वाला या परमानेंट हूँ, इस तरह से कि जिससे कि जिम्मेदारी में किसी को ये ना लगे कि मैं कुछ समय के लिए हूँ तो अपनी ज़िम्मेदारी से बचूँगा। और ऐसी ही ज़िम्मेदारी मैं सबसे चाहता हूँ, शासकीय अमले से भी और आप सभी से। व्यवस्थाएँ निश्चित तौर पर जुटाई जा रही हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएँ पहले से सुधरी हैं, बहुत सारी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है, व्यवस्थाओं पर काम चल रहा है। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, जैसा आप सब ने एक साल पहले सहयोग किया था नरसिंहपुर में, वैसे ही सहयोग की आपकी ज़रूरत है। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, मीडिया के साथियों का, सभी नरसिंहपुर वासियों का सहयोग की आवश्यकता है। हम लोगों को कोशिश करना है कि जिला अस्पताल पे या ज़िले में जो अस्पताल हैं या जबलपुर में जो अस्पताल हैं उन पर प्रेशर कम से कम रहे, क्योंकि वहाँ भी व्यवस्थाओं की कमी है। व्यवस्थाओं में सुधार वहाँ भी हो रहा है, लेकिन कमी है अभी। तो जो लोग, पहली बात तो कोशिश करना है कि संक्रमण बढ़े ही नहीं, बाहर से आए हैं तो वो क्वारंटीन हो, चाहे कुंभ से आए हों, चाहे बाहर से लोग मजदूर भाई आ रहे हों, तो उनको पंचायत में या नगरीय निकायों में अलग रखा जाए 10 दिन क्वारंटीन में। और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनके घर के लोग भी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, बाहर नहीं निकलें, बहुत आवश्यक हो तभी निकलें, मास्क पहने, दूरी बना के रखें, 45 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, पॉजिटिव के अगर कुछ सिम्टम्स हैं तो टेस्ट कराएं, और पॉजिटिव आने पे अगर स्वस्थ हैं, कोई समस्या नहीं है, तो घर पे रहें, होम आइसोलेशन में रहें। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग आपको जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो भी देगा, पर्चा भी देगा, आपके घर के बाहर पोस्टर भी लगेगा, डेट लिखी रहेगी कब से कब तक आपको आइसोलेशन में रहना है, डॉक्टर आपसे बात करेंगे, कंट्रोल रूम से आपसे बात होगी रेगुलरली। तो जो घर में रह सकते हैं, जिनको समस्या नहीं है वो घर में रहेंगे, थोड़ी सी समस्या जिनको है उनको कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। कोविड केयर सेंटर सभी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं उस लेवल पे हैं, ब्लॉक स्तर पे हैं, और गोटेगांव, करेली और गाडरवारा में तो ऑक्सीजन बेड भी है वहाँ के अस्पतालों में, तो ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत होगी तो वहाँ पे रखा जाएगा। बहुत ज़्यादा जब समस्या होगी तो DMO आपको रेफर करेंगे, तभी जिला अस्पताल में आप भर्ती किया जाएगा। जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ की सब अच्छी व्यवस्थाएँ हों इसको हम सुनिश्चित कराएंगे। होम आइसोलेशन में रहना है तो आप अपने होम आइसोलेशन में स्वस्थ रहिए, पौष्टिक भोजन लीजिए, और जो भी निर्देश हैं उनका पालन करिए, जिससे कि संक्रमण की चेन टूटे। हम सब लोगों को अभी मिलके काम करने की ज़रूरत है, आप सबके सहयोग की ज़रूरत है, और आप सबके सहयोग से निश्चित तौर पे हम इस महामारी में, इस संकट समय में विजय पाएंगे। हम सब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, जैसी जैसी स्थितियाँ होंगी, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, जैसी आवश्यकता होगी ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की, अन्य दवाइयों की, बेड की क्षमता हम बढ़ाएंगे, जिला अस्पताल में भी हम क्षमता बढ़ाने वाले हैं। लेकिन क्षमता बढ़ेगी, लेकिन साथ में हमें इस चीज़ को भी देखना है कि जिसको जहाँ रहना है वो वहाँ रहे। अगर पॉजिटिव आने पे आप सामान है तो होम आइसोलेशन में रहें, थोड़ी सी समस्या है तो कोविड केयर सेंटर जो आपके ब्लॉक मुख्यालय पे वहाँ रहें, ज़्यादा समस्या है तभी यहाँ आए। कई लोग सोचते हैं जबलपुर चले जाएंगे, जबलपुर में इलाज हो जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेडिकल में, वहाँ भी ओवरलोड है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, व्यवस्थाएँ हर जगह की जा रही हैं, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, और हम सब लोग को जो तैयारी करना है वो हम सब लोग कर रहे हैं, आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि जैसा आपने सहयोग किया था पिछले साल, वैसे ही सहयोग करें, जिससे कि हम सारी तैयारियां भी कर पाएँ और इस बड़े संकट का सामना अच्छे से कर पाएँ। आप सभी को मैं आश्वस्त करता हूं कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे व्यवस्था बनाने में, लेकिन आप सबके सहयोग के बिना कुछ भी हम नहीं कर सकते, इसलिए आप सब सहयोग हमें करें, और जिससे कि हम सब मिलके इस संकट का सामना करें।